हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज पूरा दिन आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करते रहे, आज पूरा दिन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रही और किस एनर्जी में रहे ये पर्सन आज पूरा दिन, यही देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द हेरोफेंट, द फूल, जस्टिस एंड 3 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहा जहाँ पर इस पर्सन का मन कर रहा था बिना सोचे समझे हर उस काम को करने का जहाँ पर इस पर्सन को कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से हर काम करना चाहते थे। आज पूरा दिन इस पर्सन के मन में बार बार ये ख्याल आता रहा क्यों ना ये पर्सन एक ऐसी जर्नी पर निकल जाए जहाँ पर इस पर्सन को कोई भी फिक्र ना रहे, ना घर की ना ही किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पर हो और ना ही ये आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचना चाहते थे। एक दिन ये सिर्फ ना अपने साथ गुजारना चाहते थे पर्सन, और आज पूरा दिन इस पर्सन ने किया भी यही है। इस पर्सन ने हर उस काम को किया है जो ये पर्सन बरसों से करना चाह रहे थे। यहाँ पर इस पर्सन को आपके बिना थोड़ा सा अकेलापन तो फील हो रहा था, बट इस पर्सन को पता है कि ये आपके साथ में कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इस पर्सन ने आज अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी हैं जो शायद आपको इस पर्सन की नापसंद थी, तो इस पर्सन ने वो काम भी किए हैं जो आपको पसंद थे और वो काम भी किए जो नापसंद थे। और आज दिन भर ही इस पर्सन का इमेच्योर बिहेवियर रहा, और यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में ना कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर इस पर्सन ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी के आने का इंतज़ार भी कर रहे थे, तो यहाँ पर इस पर्सन ने किसी से मुलाकात की हो सकती है। ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई पास्ट लवर हो सकता है, या फिर कोई बहुत दूर दराज से इस पर्सन से मिलने के लिए आया था, उस पर्सन के साथ ही आज इसने पूरा दिन बिताया है, ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, ये आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, बट हाँ अपनी लाइफ को भी खुलकर जीना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे रिलेशन तो रखना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं इस पर्सन के मन में, बट हाँ इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं ये है कि ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बनकर नहीं रहेंगे, ये अपनी लाइफ को खुलकर जिएंगे, इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर इस पर्सन की इन एक्टिविटीज़ से अग्री करते हैं तो ही आपके साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे। इसी टाइप का ये इंसान है, काफ़ी केयर फ्री नेचर है इस पर्सन का, बट ऐसा नहीं है ये पर्सन काफ़ी भोला भाला भी है। इस पर्सन कि उनमें कोई छल या कपट नहीं है, बट हाँ वही है ना कि ये पर्सन बिना सोचे समझे कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आज भी दिन भर ये पर्सन करता रहा, और इस पर्सन के मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो इसको थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करा रही थी, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना ना कहीं भी पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इस पर्सन की ख्वाहिश है कि ये आपके साथ घूमें, आपके साथ कुछ वक्त गुजारें, बट यहाँ पर लगता है आप दोनों के बीच कुछ दूरियां हैं जिसकी वजह से ये पर्सन की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए ये पर्सन किसी और के साथ में ही इंजॉय करता रहा पूरा दिन। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी।